हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतू है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, टिप्स एंड ट्रिक्स, DIY एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ की। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उससे क्लिक कीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आज का वीडियो। जो वीडियो है वो बेस्ड है स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम डेली रूटीन में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो बस हमें अपने जो बाल हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, उनका हमें टेक केयर कैसे करना है, बस आज का जो वीडियो है उस पर बेस्ड है। तो जो सबसे पहला और अहम है वो है कि जब भी हमें कभी भी जब भी हमें अपने बालों को वॉश करना हो तो कभी भी हमें गर्म पानी से वॉश नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा, अगर अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ही हॉट वाटर से अपने जो बालों को वॉश कर लेते हैं। वो जो बाल, जब आप अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं तो आपके जो बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो लॉस हो जाता है और आपके बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूखे, सूखे और अजीब से हो जाते हैं। इसलिए हमेशा, चाहे ठंडी हो गर्म हो, आपको हमेशा नॉर्मल पानी से वॉश करना चाहिए। अभी जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप थोड़ा हल्का गुनगुने पानी से वॉश कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई कि आप कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को लेकिन वॉश ना गलती जो करें। हम करते हैं कि जब भी हम कभी अपने बालों को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद आते ही जैसे ही हम बाथरूम से निकले, हमारे थोड़े बाल सूखे, वैसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं कंघी करना। नहीं, हमें कभी ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा, जब भी हम बाथरूम से आते हैं, हमारे बाल जब गीले होते हैं, हमें कभी भी गीले बालों में कंघी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करना है तो आप अपनी फिंगर्स से अपने बालों को इस टाइप से, ये देखिए, इस टाइप से जो भी उसके बालों में जो भी आपके उलझन है उसको इस टाइप से आप खत्म कर सकते हैं। बट कभी भी गीले बालों में कंघी ना करें, वो आपके बालों को और भी ज्यादा, जो आपके बाल होते हैं उनकी जड़ों को कमजोर कर देता है। इसलिए कभी भी गीले बालों पर आप कंघी ना करें। जो नेक्स्ट है वो है कि हम कंडीशनर गलत तरीके से लगाते हैं। हमें कभी भी कंडीशनर जो होता है वो अपने स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए। हमें कंडीशनर जो भी होता है वो हमेशा ये जो ये एरिया है, जो हमारे बालों का ये एरिया है, उसमें हमें हमेशा कंडीशनर लगाना चाहिए। और कंडीशनर या शैम्पू कभी भी हमें बालों में ऐसे ऐसे कर कर नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा बहुत ही प्यार से लगाना चाहिए। हमारे बाल हैं उनको ट्रीट कीजिए, या आपके बाल हैं उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए। कई लोग को मैंने देखा है पूरी कुश्ती लड़ लेते हैं बालों पर, इस टाइप से रब करते हैं, ऐसे लगता है कि अगर वो ऐसे रब ना करें तो शायद उनके बाल ही नहीं क्लीन होंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने बालों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अपने बालों को अच्छे से मसाज करनी चाहिए हल्के हाथों से, ना कि ऐसे 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 नहीं करना चाहिए। आपको उससे कुछ भी नहीं होता है, आपकी जो बाल हैं उनकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। कभी आपको ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा हल्के हाथों से, आप जब भी आप शैम्पू करें हल्के हाथों से मसाज करें, और जब भी आप कंडीशनर करें वो यहीं पर करें, स्कैल्प में कभी भी नहीं करें। जो जो नेक्स्ट है वो है कि मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि जब भी वो कॉम करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉम करना। नहीं, ये गलत तरीका है। हमें जब भी कॉम करना होता है तो हमें अपने नीचे के जो बाल हैं पहले उन्हें सुलझाना चाहिए, उसके बाद धीरे 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 कर कर हमें यहाँ तक आना चाहिए। मैंने कई लोग को देखा है वो यहीं से स्टार्ट करके सीधे यहाँ पर, वो बालों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे उनके खुद के बाल नहीं हो, किसी और पड़ोसी के बाल हो, और बस कर दो आज तो, मतलब आप कंघी तो इसी टाइप से करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपने बालों को जब भी कॉम करना है नीचे से स्टार्ट कीजिए। मेरे बालों की लेंथ इतनी लंबी नहीं है, बट स्टिल हमेशा आप अपने बालों को नीचे से कॉम करना स्टार्ट कीजिए, तब जाके ऊपर से कीजिए। तो जो भी आपके बालों का जो उलझन है, जो टैंगल्स है, वो फ्री, मतलब वो कम, वो सही हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके बाल और ज़्यादा उलझेंगे। तो हमेशा यहाँ नीचे से ही कॉम करना स्टार्ट कीजिए और नीचे से करते करते ऊपर जाइए, ना कि ऊपर से करते करते नीचे आइए। नेक्स्ट जो है, हमें बालों में हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करनी ही करनी चाहिए। अगर हम अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करेंगे तो जो हमारे बाल हैं, जो उनका नेचुरल ऑयल है, वो चला जाएगा और हमारे जो बाल हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हमें हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करनी चाहिए। वैसे तो हमें रात में ऑयलिंग करनी चाहिए और सुबह उठ कर वॉश करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं टाइम है, आपके पास बहुत ही बिजी शेड्यूल है, तो आप कम से कम 1 घंटे तो
बालों में ऑयलिंग करें ही करें, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए आप हफ्ते में 2 बार जरूर ऑयलिंग करें। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम जो जो हेयर सीरम वगैरह जो होता है वो हम हमेशा यहाँ स्कैल्प में लगाते हैं। हमें जो हेयर सीरम है वो भी कभी स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमेशा जो है वो बालों की जो लेंथ होता है उसमें लगाना चाहिए, स्कैल्प में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। स्कैल्प में आप जब भी हेयर सीरम लगाएंगे वो आपके लिए, आपके स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं है। तो याद रखिए, कभी भी आप हेयर सीरम लगाएं तो वो आप अपने बालों की लेंथ में लगाएं, ना कि स्कैल्प में। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं वो करते हैं क्या कि जब हम अपना हेड वॉश करके आते हैं, कई लोग को मैंने देखा है हेड वॉश करके आएंगे, टॉवल को लेंगे और इस टाइप से भयानक तरीके से अपने बालों को रब करेंगे कि मैंने पूछा, मेरी एक फ्रेंड इस टाइप से कर रही थी, मैंने कहा क्या कर रही हो, बोल रही मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ। ये बालों को सुखाने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर आप अपने बालों को इस टाइप से रब करेंगे तो जो आपके बाल हैं वो दो मुंह हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी आपको अपने बालों को सुखाना है टॉवल लीजिए। जब भी आपको अपने बालों को सुखाना है आप बालों को हमेशा देखिए इस पोजीशन में सुखाइए। आप अपने जो आपकी टॉवल है वो उतना ही काम करेगी। ऐसा करने से कुछ नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है कि आपके बाल जल्दी सूखते हैं, कभी नहीं। आप अपने बालों को हमेशा इस टाइप से आप देखिए ऐसे ऐसे सुखाइए। कभी भी आप अपने बालों को इस टाइप से नहीं करना चाहिए, चाहे आप ऑयलिंग कर रहे हो या आप अपने बालों को शैम्पू कर रहे हो या कंडीशनर कर रहे हो, किसी भी मतलब कुछ भी कर रहे हो, आपको बालों को कभी भी इस टाइप से रब नहीं करना चाहिए। देखिए इस टाइप से रब नहीं करना चाहिए, आपको बालों को हमेशा इस टाइप से वॉश करना चाहिए। देखिए इस टाइप से ऐसे हमेशा वॉश करना चाहिए। जो नेक्स्ट गलती करते हैं हम वो ये करते हैं कि जब भी हम काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जब भी वो बाल सुखाना होता है उनको तो वो हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं अपने बालों को सुखाने के लिए। तो जो हेयर ड्रायर है वो आपके बालों को नुकसान करता है, इसलिए आपको हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करना चाहिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी नेचुरल लाइट है या जो आपके बाल हैं उन्हें अपने आप सूखने दीजिए। उन्हें हेयर ड्रायर वगैरह से कभी भी ट्रीट नहीं कीजिए, क्योंकि हेयर ड्रायर जो होते हैं वो आपके जो बाल होते हैं उन्हें जो उनका मॉइस्चर होता है उन्हें खींच लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो या बहुत इमरजेंसी हो तब आप हेयर ड्रायर यूज़ करें, बट आप ये बिल्कुल डेली की हैबिट मत रखिए कि जब भी आप हेड वॉश करके आए हैं तो आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना है अपने हेड पर। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, ये आपके बालों के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं, आपके जो बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट गलती हम करते हैं कि जो भी मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आया, बस अब ये तो बहुत ही अच्छा होगा, चलिए यूज़ करते हैं, चलो ये यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, मतलब उनमें आप ये नहीं समझते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा केमिकल होगा जो आपके बालों को फ़ायदा नहीं शायद नुकसान ही करेगा। बट स्टिल वो सब कुछ जानते हुए आप ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो आपके बालों को नुकसान करता है, बहुत ही कॉस्टली मिलता है, मतलब उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं और आपकी जेब से पैसा तो जा ही रहा है, आपके साथ में बाल भी जा रहे हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो उसे ट्राई मतलब यूज़ करने की कोशिश कीजिए। हेयर मास्क यूज़ कीजिए, ऑयलिंग कीजिए अपने बालों की अच्छे से, तो आपके जो हेयर्स हैं उनमें कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही और नहीं। हमको हफ्ते में जो भी हम कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं उसे हमें हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉश करना चाहिए, और हमें अपनी जो कॉम्ब है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 कॉम्ब्स होनी चाहिए, 4 डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। एक दूसरे की कॉम्ब यूज़ नहीं, कभी भी एक दूसरे की कॉम्ब यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जब भी हम अपने हेयर्स में ऑयलिंग करें, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप भर भर कर जब तेल है वो यूज़ करें। हफ्ते में जब आप 2 बार ऑयलिंग करते हैं तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं कि भर भर कर तेल यूज़ करें। ज़्यादा तेल यूज़ करने से कुछ भी नहीं होता है, आप उतना तेल यूज़ करें जितना आपके बालों के लिए ज़रूरी हो। ऐसा नहीं है कि तेल बह रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्ट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब भी ऑयलिंग करें अपने हेयर्स को तो आपके जो बाल हैं उनके अकॉर्डिंग जो लेंथ है उसके हिसाब से ऑयलिंग करें। पहले यहाँ पे अच्छे से स्कैल्प में पूरा अच्छे से ऑयलिंग कर लें, उसके बाद नीचे साइड से आते हुए यहाँ पे पूरा जो आपका लेंथ है उसमें कीजिए, और 10 मिनट जब भी आप ऑयलिंग करें एटलीस्ट 10 मिनट आप अपने बालों की अच्छे से मसाज करें।
और मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है मसाज के ऊपर, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और मेरे और भी कई हेयर मास्क वगैरह हैं, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि रात में बस हम सो जाते हैं, कुछ नहीं कॉम वॉम कुछ नहीं करते हैं, तो रात में हमें सोने से पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम करना चाहिए। और कॉम का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नीचे से स्टार्ट करके हमें ऊपर की तरफ आना है, तो अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है और उसके बाद एक हाई बन यहाँ पर बनाकर और सो जाना है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप उनमें चोटी भी बना सकते हैं, मेरे छोटे बाल हैं तो मैं यहाँ पर हाई बन बनाकर और मैं सो जाती हूँ। और बालों को बहुत टाइट नहीं बांधना है, बहुत हल्के, बस जो आपके हेयर्स हैं उन्हें बहुत हल्के से बांधना है, बहुत टाइट नहीं बांधना है। जैसे कि देखिए अभी जैसे मेरे हेयर्स हैं, तो बस मैं इसमें यहाँ पे एक पोनी, यहाँ पे एक रबर बैंड लगाती हूँ और मैं सो जाती हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं आपको करना है कि बहुत टाइट बन बनाना, उससे जो आपके बाल हैं वो टूटेंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है पर हमको। आज का वीडियो आपके लिए जरा भी, मतलब जरा जरा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।